देखिए क्वेश्चन क्या है द नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग और फाइव कॉन्जुगेटिव वन यानी आपको एक ऐसी स्ट्रिंग बनाना है जिसमें या तो फाइव कॉन्जुगेटिव जीरो हो और फाइव कॉन्जुगेटिव वन हो फाइव मिनिमम होगा इसका मतलब पूरे भी हो सकते हैं नॉन भी हो सकते हैं मतलब आपको कुछ इस तरह से बनाना है लाइक like दिस या हो सकता है आपने ऐसा बनाया या हो सकता आपने ऐसा बनाया हो या हो सकता है आपने सारे जीरो वाले बना लिए हो या आपने सारे वन वाले बना लिए हो क्वेश्चन समझना हम किसी एक केस को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लियर होगा यानी हम इस क्वेश्चन में का ये करते हैं कि पहला केस ले लेते हैं कि मान लो स्टार्टिंग जीरो से करें ऐसे ये तो नेक्स्ट प्लेस पर क्या क्या आ सकता है समझिएगा नेक्स्ट फाइव प्लेस पर क्या क्या आ सकता है जीरो वन आ सकता है टू वेस जीरो और वन जीरो वन टू वे जीरो वन टू वेस जीरो वन टू वेस जीरो वन टू वे यानी टू की पावर फाइव एंड दिस इज थर्टी टू हो सकता है पहले प्लेस पर आप कुछ और ले लें सेकंड प्लेस पर पांचों जीरो आए और यहां पर वन टू थ्री एंड फोर अब देखिए यहां पर हम जीरो नहीं लेंगे वन लेंगे बिकॉज जीरो वाला केस हम ले चुके हैं पहले तो अब हमने यहां वन लिया यहां जीरो वन में कोई भी एक टू जीरो वन कोई भी टू जीरो वन कोई भी टू अगर ये समझ में ना आए तो आप इसका छोटा एग्जाम्पल लीजिए थ्री जीरो थ्री वन के केस, केस को लीजिए आपको हंड्रेड परसेंट क्लियर होगा ये हुआ टू की पावर फोर मतलब सिक्सटीन हो सकता है कि पहले दो प्लेस पर अगले थर्ड प्लेस पर आया जो हम काम इसके लिए कर रहे हैं जीरो के लिए सेम वन के लिए भी सोचेंगे अब बचे दो प्लेस देखो यहां पर जीरो वन कुछ भी आ सकता है टू वेस यहां पर केवल वन ही आएगा वन वेस यहां पर जीरो वन टू 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 फिर टू की पावर फोर यानी अगेन सिक्सटीन हो सकता है कि पहले तीन प्लेसेस को हम देखें तो यहां जीरो वन टू केसेस यहां जीरो वन टू केसेस यहां पर केवल वन और फिर ये पांच बार आ गया वन टू थ्री फोर फाइव अब यहां दो प्लेस बचे यहां पर टू टू पर टू की पावर फोर अगेन होगा यानी फिर से सिक्सटीन ही होगा एक केस ये हो सकता है कि पहली चारों जगहों पर ठीक है समझ रहे हो बात को पहली चारों जगहों पर चार लेते हैं और यहां पर ये यह पूरे जीरो आ गए और ये एक अकेला तो यहां पर जीरो टू जीरो वन जीरो वन यहां वन आएगा और यहां फिर टू की पावर फोर यानी अगेन सिक्सटीन और एक केस ऐसा भी हो सकता था भी आप इसको ऐड कर लीजिएगा है बाद में हम याद रखेंगे कि जैसे ये कराए थर्टी टू और ये सिक्सटीन 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 ये फोर टाइम आ गया यानी सिक्सटीन इंटू फोर एक और आएगा फोर्टी एटरी सिक्सटी फोर ये हो गया ठीक एक केस ये हो सकता है कि सारी जगहों पर बात के पांचों जगह पर जीरो आए हो पर यहां पर जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, जीरो वन और यहां पर वन ओनली फिर सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन और आप इसमें ऐड करेंगे थर्टी टू प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन यानी एक करे से वन वन टू ये वन वन टू आया जब आपने जीरो के लिए सोचा सिमिलरली अगर आप वन 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 के साथ भी यही सोचते तो यही वन 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 टू आता और ऐड करते तो आपको मिलता टू ट्वेंटी फोर अब आपने देखा ऑप्शन में ये तो बहुत छोटा हो गया ये भी बहुत छोटा हो गया टू ट्वेंटी फोर अब ये दो में कुछ हो सकता है अब क्या है इसमें की, केस समझिएगा क्योंकि जब आपने ऐसा लिया है तो इसमें दो बार एक ही केस रिपीट होंगे कौन कौन से जीरो 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 और वन 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 वन, वन इधर इधर चेंज होंगे इसमें भी दो बार आया है अगले वन में भी दो बार आया होगा तो माइनस टू और कर दीजिएगा टू टू फोर माइनस और टू तो ये आंसर आएगा टू, टू 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 ये बात समझ में आई क्योंकि अभी हमने क्या करा था पांचों जीरो पांचों वन लिए एक केस ऐसा होगा आगे पांचों वन होंगे और जीरो ये इधर काउंट हो गए पर जब आपने पांचों बार वन लिया तो भी ऐसा होगा कि पांचों जीरो एंड में होंगे और पांचों जीरो स्टार्टिंग में यानी जो वो दो केस यहां बने थे वही दो केस यहां बन गए इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया फिर भी अंडरस्टैंड ना हो तो आपको एक सलाह दूंगा आप तीन जीरो और तीन वन को लेके समझिएगा आपसे अपने आप क्लियर हो जाएगा जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसका सिंपल क्वेश्चन समझिए उसका लेंदी क्वेश्चन आपको बन जाएगा